सोमवार को मुजफ्फरनगर के परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्री राम कॉलेज के सभागार में मुजफ्फरनगर से कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था, जबकि इस कार्यक्रम के आयोजन में पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन में भाक्यू अराजनैतिक का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, भाक्यू नेता राजेंद्र मलिक, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर एस सी कुलश्रेष्ठ व अन्य सम्मानित अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगोष्ठी में पधारे कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन व इस क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आपकी खान है, आपका सिरका है, आपका पूरा हैंडमेड पूरा, अब आपको यहाँ भी मिलेगा मुझे पढ़ना। कार्यक्रम के दौरान भाक्यू अराजनैतिक के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि मौजूदा समय में जनपद के किसानों को अपने कृषि उत्पादों को बेचने हेतु अन्य जनपद व राज्यों में जाना पड़ता है, जिस कारण किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य समय पर नहीं मिल पाता। लेकिन जनपद के कृषि उत्पादों का निर्यात प्रारंभ होने पर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम समय पर मिल सकेगा। वह इसे प्रारंभ करने के लिए एपीडा क्षेत्र के कुछ किसानों को प्रशिक्षित भी कर रही है। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। ये आज श्री राम कॉलेज के डॉक्टर अशोक कुमार जी, भारतीय किसान यूनियन ए के धर्मेंद्र मलिक जी और पीजेंट वेलफेयर, तीनों ने मिलकर एक ये ज्वाइंट प्रोग्राम आज किया है कि कृषि उत्पाद के निर्यात की संभावनाओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जनपद मुजफ्फरनगर में देखा जाए कि किस तरह यहाँ से हम लोग कृषि उत्पाद का निर्यात कर सकते हैं। तो इसमें जो कृषि उत्पाद को निर्यात करने वाली भारत सरकार की बॉडी है, कृषि निर्यात प्राधिकरण, आज उसके भी अधिकारी आए हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय आए हुए थे, कपिल देव जी आए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 कोरोना के बाद वो लागू नहीं हो पाई थी, अब उस पर कार्य शुरू हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने, जो फार्मर्स आधुनिक खेती करना चाहते हैं, कृषि निर्यात की खेती करना चाहते हैं, उन लोगों को बुलाया है, कृषि विशेषज्ञ को बुलाया है। जैसे अभी आप लोगों ने चावल में जो पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर वीपी सिंह जी हैं उनको सुना था। तो इस तरह के आज हमने एक ये पहला जनपद मुजफ्फरनगर में इस तरह का समिट का आयोजन किया है। भविष्य में इसके क्या लाभ होंगे? भविष्य में इसके लाभ होंगे कि कृषि निर्यात का एक पहली सीढ़ी हम लोगों ने पार कर ली है, और मैं समझता हूँ कि हम इस पर श्री राम कॉलेज के साथ मिलकर, अपेडा के साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ मिलकर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में आज ये बहुत ही शानदार राष्ट्रीय गोष्ठी कृषि निर्यात के लिए, मुजफ्फरनगर से कृषि निर्यात कैसे हो सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय प्रोडक्ट का हम प्रचार प्रसार करें, उसी के लिए गोष्ठी अशोक बालियान जी हमारे वरिष्ठ किसान नेता हैं, उनके प्रयास से श्रीराम कॉलेज में कुलदेव साहब हैं और देश भर के वैज्ञानिक खास तौर से चावल के लिए, गुड़ के लिए, शक्कर के लिए और फूलों की खेती के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जिस प्रकार की खेती करते हैं, और चावल का निर्यात कैसे हो सके, जो एपीडा है बासमती निर्यात विकास प्राधिकरण, उसके द्वारा भी बढ़िया चावल की खेती कैसे हो, कहाँ कहाँ उसकी सप्लाई हो, कैसे उसका निर्यात हो और दुनिया भर में उसका निर्यात कैसे हो सके, गुड़ की भी नई नई वैरायटी बने, शक्कर की वैरायटियाँ बने, फ्लावर की वैरायटियाँ बने और देश के साथ साथ दुनिया में उसकी सप्लाई हो, निर्यात हो, उसके लिए गोष्ठी बहुत शानदार, और देश भर के वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और श्रीराम कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है, अशोक बालियान जी उनका बहुत बड़ा योगदान है, वीरपाल निर्वाल जी हमारे चेयरमैन साहब जिला पंचायत के, इनका योगदान है, सभी का धन्यवाद। यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, क्या उनके लिए संदेश? पता है कि प्रधानमंत्री जी लगातार इसको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं, लगातार आयोग का गठन कर रहे हैं ताकि किसानों का प्रोडक्ट, उनकी आमदनी दूनी हो, तिगनी हो, चार गुनी हो, और किसानों का प्रोडक्ट दुनिया भर में सप्लाई हो, हम निर्यातक बने, आयातक ना बने, यानी हमको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट करके निर्यात करने का प्रोत्साहन मिले, तो बढ़िया बढ़िया बीज, बढ़िया खेती, उनके लिए बढ़िया फर्टिलाइजर, बढ़िया केमिकल, जैसी आवश्यकता पड़ती है उनका प्रोत्साहन अधिक से अधिक हो, और ऑर्गेनिक खेती का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और किसान उसका उपयोग करे, इसके लिए विशेष रूप से।